लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को समझने के लिए हम लोग अभी पहले समझेंगे कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास, क्योंकि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो है वो एटॉमिक मास से रिलेटेड। तो एटॉमिक मास, जैसे किसी एटम का स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर होता है, वैसे ही एटम का स्पेसिफिक एटॉमिक मास भी होता है। ठीक है, जैसे उसका स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर है वैसे ही उसका स्पेसिफिक एटॉमिक मास भी है। तो जैसे एटॉमिक नंबर आपने याद करा है, 1 to 20 एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद है सबको, कॉन्फिगरेशन वैलेंसी वगैरह जरूर याद कर लीजिए क्योंकि अब इसी चैप्टर में इसकी जरूरत पड़े। जैसे हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर है 1, और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है ये भी होता है 1। एटॉमिक नंबर भी इसका 1 है और इसका एटॉमिक मास भी 1। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, बट इसका एटॉमिक मास होता है 4। ठीक है, एटॉमिक मास मैं उस सारे एलिमेंट्स का बता देता हूं जिसकी की जरूरत पड़ेगी। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसका एटॉमिक मास होता है 12। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7 बट इसका एटॉमिक मास है 14। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 16। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसका एटॉमिक मास होता है 23। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक मास 23। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12 और इसका एटॉमिक मास है 24। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, एटॉमिक मास है 27। उसके बाद सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, एटॉमिक मास इज 32। क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 और एटॉमिक मास है 35.5। नेक्स्ट आ जाएं हम लोग मैग्नीशियम में, मैग्नीशियम तो बता दिया। कैल्शियम, कैल्शियम जिसका कि एटॉमिक नंबर है 20 और एटॉमिक मास होता है 40। इतने सारे एटम का एटॉमिक मास आपको याद रखना है। इसमें से देखो, याद रखने का एकदम सिंपल सा तरीका मैं बताता हूं आपको। इसमें आप याद रखो किसका किसका, हाइड्रोजन, उसके बाद सोडियम, उसके बाद एल्युमिनियम और क्लोरीन, इस चार का याद रखो। ठीक है, चार कौन कौन से, हाइड्रोजन, सोडियम, एल्युमिनियम और क्लोरीन। बाकी सब जितने आपके काम के हैं सब में एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर का डबल है। ठीक है, देख लो आप, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने, सब में एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर का डबल है। अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है तो एटॉमिक मास अपने आप याद हो। इस चार का याद रखना है आपको, जेड जो है वो वो जेड जो है वो अलग चीज है। जेड और जेड से हम लोग जो डिनोट करते हैं ना, अभी आएंगे इसके बाद बताऊं। पोटेशियम का होता है 39 बट उसकी जरूरत नहीं है, आएगा नहीं आपके प्रश्न, जिंक तो कभी ही नहीं आएगा, और अगर कभी आ गया इन केस तो उसका एटॉमिक मास आपके पेपर में, क्वेश्चन पेपर में हमेशा गिवन, इतने के नहीं गिवन होंगे, जितने के नहीं गिवन होंगे उतना मैंने लिखा था। अगर कभी इस तरह का आ जाता है, पोटेशियम आ जाता है या कॉपर आ जाता है, आयरन आ जाता है, उस सब का अगर आएगा तो निश्चित है कि क्वेश्चन पेपर में गिवन होगा क्योंकि वो आपके सिलेबस से बाहर है। चलिए, तो ये हो गया जो आपको याद रखना, याद रखने का तरीका भी मैंने आपको सिंप्लीफाई कर दिया, चार के याद रखिए, बाकी सब एटॉमिक नंबर का जस्ट डबल है उसका एटॉमिक मास। ओके, रब कर दो।
देख लिया सबने। तो अब हम लोग आ जाते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में, जो यहीं से रिलेटेड है, यहीं से रिलेटेड है। एक काम करता हूं, मैं इसको लिखते ही रहने देता हूँ, सो दैट कि आपको यहाँ से रिलेट करने में आसानी हो। तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सल्फर, क्लोरीन, तो आपको याद रखने में यहाँ से आसानी होगी। चलिए स्टार्ट करें। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है, सुनिए ध्यान से सुनिए, एकदम पहले समझ लीजिए अच्छे से, उसके बाद आप नोट डाउन करें, ठीक है? पहले आप ध्यान से समझ। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो है, इसके लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का दूसरा नाम जो है वो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसको आप लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोल सकते हो, या इसी को आप बोल सकते हो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। दोनों का मतलब एक ही है। ये जिस साइंटिस्ट ने दिया था, दैट वाज गिवन बाय जे.एल. प्रॉस्ट इन द ईयर 1779। जे.एल. प्रॉस्ट नाम के साइंटिस्ट ने दिया था इन द ईयर 1779। क्या कहना था सुनिए, इनका कहना था कि जैसे अगर मान लीजिए वाटर है, तो वाटर की जब भी फॉर्मेशन होगी, सुनो ध्यान से सुनो, लिखना बाद में, पहले सुन लो, समझना ज्यादा जरूरी है। पर वाटर की फॉर्मेशन जब भी होगी, तो ये निश्चित है कि उसमें दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, ये तो पक्की बात है। अब अगर हम इसके टोटल जो हाइड्रोजन का मास है और टोटल जो ऑक्सीजन का मास है, उसका अगर हम रेशियो बनाएं, तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पे टोटल मास ऑफ हाइड्रोजन और टोटल मास ऑफ ऑक्सीजन दोनों का अगर रेशियो बनाए, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, तो कहने का मतलब 2 × 1, ओके तो ये हो गया 2, और एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन की बात करें तो 1 × 16 डिवाइडेड बाय 16, तो इसका रेशियो क्या आ गया, 1:8। उनका कहना क्या था, फॉर्मेशन होगी तो वाटर की फॉर्मेशन में हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो क्या रहेगा, 1:8 ही रहेगा, चाहे आप वाटर जिस भी तरीके से बनाओ, जहां पे भी बनाओ, जिस भी जगह से हाइड्रोजन लो, जहां से भी ऑक्सीजन लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो हमेशा क्या आएगा बच्चों, 1:8 ही आएगा। अगर आप इसमें हाइड्रोजन का 1 ग्राम लेते हो, तो वाटर बनाने के लिए ऑक्सीजन का आपको हमेशा कितना ग्राम लेना पड़ेगा, 8 ग्राम लेना। मास का रेशियो हमेशा 1:8 रहेगा। अगर सपोज कीजिए कि आपने हाइड्रोजन का 2 ग्राम लिया, तो इसका मतलब है आप इस रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितने ग्राम की होगी बताओ, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर टोटल रिक्वायरमेंट विल बी ऑफ 16 ग्राम। अगर आप मान लीजिए कि हाइड्रोजन ले रहे हो 10 kg, वाटर बनाने के लिए आप हाइड्रोजन ले रहे हो 10 kg, तो मतलब इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितने केजी की होगी बताओ, 80 kg। 80 kg की होगी। सो दैट इस दोनों का रेशियो हमेशा क्या रहे, 1:8। समझ में आया सबको? अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए कि हाइड्रोजन जो है आप ले रहे हो 5 टन, वाटर बनाने के लिए आपने हाइड्रोजन 5 टन लिया, तो ऑक्सीजन कितने टन की रिक्वायरमेंट होगी, इसको आप अगर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट होगी बच्चों, वो हो जाएगी 40 टन, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करो, सो दैट कि इसकी रेशियो हमेशा और हर एक कंडीशन में क्या आनी चाहिए, 1:8 आनी चाहिए। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको, सबको, सारे बच्चों को क्लियर है?
ऑनलाइन वाले बच्चों क्लियर है आप लोगों को? यस सर। बहुत बढ़िया। चलो एक दूसरा एग्जाम्पल देख, दूसरा जैसे ये वाटर का है, एक दूसरे कंपाउंड का एग्जाम्पल दे ले। मान लीजिए कि एक हमें कंपाउंड बनाना है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें एक कार्बन जो है दैट इज रिएक्टिंग विद टू टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो एक एटम कार्बन का जो मास होगा दैट विल बी 1 × 12 होगा, दो ऑक्सीजन का जो मास होगा दैट विल बी 2 × 16। तो कहने का मतलब 12 × 32, अगर आप इसकी रेशियो बनाओ तो 4 से कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 8 का रेशियो आएगा। मतलब जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो हमेशा क्या आएगा बच्चों? 8 आएगा। तो अगर आप यहाँ पे कार्बन का मान लीजिए कि कार्बन का 6 ग्राम लेते हो तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड? 16 ग्राम। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा 16 ग्राम। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? अगर आप कार्बन का मान लीजिए 30 kg लेते हो तो इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसकी ऑक्सीजन की कितनी रिक्वायरमेंट होगी बताओ? जी इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी 18 kg। क्लियर हुआ सबको? सबको क्लियर है? अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पे कार्बन का अमाउंट ले रहे हो, कार्बन का अमाउंट ले लें 60 टन, 60 टन कार्बन का अमाउंट ले लें, तो मतलब हम यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे कितना अमाउंट हो जाएगा? इसको भी आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 160 टन। समझ में आया सबको? काम क्लियर है? अब एक चीज और देखो, इसी में ये तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन हो गया, इसी में अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करें तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो टोटल अमाउंट जो कार्बन डाइऑक्साइड की बनेगी 3 × 8, यहाँ पे 11 बनेगा। अगर यहाँ पे हम बात करें कि कार्बन 6 ग्राम इज कंबाइनिंग विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम टोटल मास ऑफ CO2 की बात करें तो टोटल मास ऑफ द CO2 बताओ यहाँ कितना होगा? 22 ग्राम होगा। समझ में आ रहा है क्या हुआ? ये तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, और ये क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। और अगर यहीं पे देखो कार्बन जो है यहाँ पे ऑक्सीजन के 30 ग्राम ऑफ द कार्बन इज कंबाइनिंग विद 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो बताओ यहाँ पे कितना बनेगा? 110 क्या kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म। ओके, दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और ये क्या है? लॉ ऑफ प्रोपोर्शन। 60 टन ऑफ कार्बन इज कंबाइनिंग विद 160 टन ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 220 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर सबको? अगर यहीं पे यहाँ पे बात करें, यहाँ पे 9 ग्राम ऑफ वाटर बनेगा, टोटल मास ऑफ वाटर 9 ग्राम बना, यहाँ पे बताओ कितना ग्राम बनेगा? 18 ग्राम ऑफ वाटर बनेगा। और यहाँ पे कितना केजी वाटर का बनेगा? 90 kg वाटर का बना, यहाँ पे 45 टन बना वाटर का। क्लियर ना सबको? सबको समझ में आ रहा है? एक बात है, जरा सोच के बताइएगा, जो आप जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जरा सोच के बताइए। अगर हम कार्बन का 30 kg ले तो ये तो निश्चित है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग अगर वहां पे 80 kg की ही रिक्वायरमेंट होगी, होगी ना। अगर कार्बन का 30 kg ले रहे हैं तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन रिक्वायर्ड विल बी ऑफ 80 kg पक्का। अगर हम यहाँ पे 100 kg ले लें ऑक्सीजन का तो क्या? तो लॉ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अगेंस्ट होगा पक्का, सोच के बताइए।
सोच के मत बता, सोच के बोले, बिना सोचे सोचिए कि क्या हो सकता है। यहाँ पे तो हमने कार्बन को 30 kg ही लिया है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन का 80 के बजाय 100 kg ले लिया। अब बताइए कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन कितने kg? दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन रिपीट करूं मैं? कार्बन का 30 kg, ऑक्सीजन का 100 kg, फाइंड द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म। तो 110 ही होना चाहिए। यस पक्का? यस बिल्कुल सही आंसर है, ये 110 ही होना चाहिए, क्योंकि इसका 30 kg इसके 80 kg के साथ ही रिएक्ट करेगा, बाकी का 20 kg ऑक्सीजन का बचा रह जाएगा, दैट विल नॉट बी यूज्ड इन द रिएक्शन। तो 20 kg विल बी लेफ्ट अनयूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। क्वेश्चन क्लियर हुआ? इसी एक और एग्जांपल देता हूं, चलो एक और एग्जांपल। हाइड्रोजन का 1 ग्राम 8 ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा और यस सर 9 ग्राम ऑफ वाटर बनेगा, लेकिन अगर हम हाइड्रोजन का 1 ग्राम ले लें और ऑक्सीजन का 8 ग्राम की बजाय 10 ग्राम ले लें, 9 ग्राम ऑफ वाटर विल बी फॉर्म्ड और उस 10 में से 8 ग्राम विल बी यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, 2 ग्राम विल बी लेफ्ट अनयूटिलाइज्ड, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इसका 1 ग्राम तो 8 ग्राम के साथ रिएक्ट हो सकता है ना। समझ में आ रही बात सबको? सबको? यस चलो, तो इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। हाँ बोलो, कोई कंफ्यूजन? बोलो सर, बोलो। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का 6 ग्राम लेते हैं और ऑक्सीजन का 24 ग्राम लेते हैं, तब तो वो बन जाएगा ना CO3। CO3 कंपाउंड ही नहीं होगा, कभी CO3 इन अ केमिकल सब्सटेंस, इन अ केमिकल सब्सटेंस एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट, इन अ केमिकल सब्सटेंस एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय देयर मास, इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय देयर मास। समझ में आया क्या बताया मैंने? कि जब भी कोई केमिकल कंपाउंड बनेगा तो उसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे वो हमेशा एक फिक्स प्रोपोर्शन में होंगे, उसके मास के फिक्स प्रोपोर्शन। क्या एक और एग्जांपल की जरूरत है? सबको क्लियर है? पक्का? सोच लो, सबको क्लियर है? चलो ठीक है, तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख, When 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न, When 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 11 ग्राम of CO2 is produced, what mass of CO2, what mass of CO2 will be formed when 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आया? यस
कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का मास रेशियो अभी हमने देखा था 3:8 होता है यस होता है। तो सर, इसका मतलब इसका 3 ग्राम निश्चित है कि इसके 8 ग्राम के साथ ही कंबाइन करेगा, लेकिन हम यहाँ पे 3 ग्राम को कितने ग्राम के साथ बर्न कर रहे हैं, होगा क्या, एट ग्राम ग्राम तो रिएक्शन करेगा, बाकी 42 ग्राम बिल्कुल लेफ्ट अनरिएक्टेड। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, समझ में आया क्वेश्चन का यस आंसर कैसे लिखना है। लिखिए, सर, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, थ्री ग्राम ऑफ कार्बन, 3 ग्राम ऑफ कार्बन विल रिएक्ट विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ओनली टू फॉर्म, टू 11 ग्राम ऑफ वाटर, टू फॉर्म 11 ग्राम ऑफ वाटर, 11 ग्राम, सॉरी 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नॉट वाटर, 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रेस्ट 42 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, रेस्ट 42 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन यस will be left, will be left unreacted during the reaction, left unreacted during the reaction। समझ में आ गया सबको, कोई कंफ्यूजन किसी को?